जी ज़मील और, और भाई इस वक्त हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है और ये किसी तारुफ के मोहताज इसलिए भी, भी है। नहीं है कि हमारे प्रोग्राम में भी ईद की ट्रांसमेशन हो कोई भी स्पेशल प्रोग्राम हो सब्जेक्ट फिल्म की जब भी बात होती है तो मेरे ख्याल में टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता इनकी पर्सनैलिटी के बगैर सैयद नूर साहब हमारे मेहमान है और अगर ये कहा जाए फिल्म इंडस्ट्री हाँ। के हवाले से जिन, जितनी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन की है मैं कहती हूँ हमेशा शाह जी का जब भी नाम आता ये होता है कि कोई नया टैलेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे लेकिन मैं एक वो तो है और आप मुझे रोक रहे हैं ना सुंबल लिए। शाहरव्य आप देख चुके होंगे अब तक लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो शायद अब भी आपको ना पता इनके हवाले से जैसा कि एक बात मैं इनसे भी डिस्कस रहा था शाहजी ने बैचलर्स किया जर्नलिज्म में दयाल सिंह कॉलेज से <laughs> दयाल सिंह और उसके बाद एज ए जर्नलिस्ट अपने करियर का आगाज किया 70s की बात Actually, है एक्चुअली जर्नलिज्म जो है ना वो जाके मास्टर करना पड़ती है लेकिन मैंने जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कोहस्तान डल्सिंग कॉलेज में तो हालात ऐसे थे फारूक के फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे अच्छा तो मैं साथ ही अखबार था कोहस्तान कोहस्तान अखबार जो है ये उस डल्सिंग तो, कॉलेज के साथ ही थोड़ा सा आगे जाएं ना रतन सिनेमा जो है उसके साथ उसकी बिल्डिंग थी तो कोस्तान अखबार उस वक्त का टॉप अखबार था और जंग कराची और पंजाब में कोस्तान अखबार जिसके बाद फिर कोस्तान जब बंद हुआ तो उस उसके जो सहाफ़ी हज़रा थे आज भी बहुत बड़े नाम हैं वो उन्होंने जाकर फिर मशिक निकाला था मशिक फिर निकला अच्छा ना तो था ही नहीं। नहीं। और उसके बाद फिर जंग बहुत बाद में फिर तो शोबिस कवर करते थे नहीं, 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 आ, नहीं नहीं मैं जनरल आर्टिकल लिखा करता था अच्छा, और नसीम हिजाजी साहब एक बहुत बड़ा नाम है हाँ, तो हाँ वो उसके एडिटर थे और मैंने सबसे पहले तो एक फूल पे एक आर्टिकल लिखा बच्चों के लिए तो मुझे उन्होंने बुलाया नसीम हिजाजी साहब ने जब मैं आया तो कहने लगे तुमने ये बड़ा अच्छा थाट लिखा है और तुम तुम्हें ये लिखने की सलाहियत है और तुम इसको कंटिन्यू करना अच्छा तुम इसको तो रोकना नहीं ये मेरे लिए आज भी मुझे वो उनकी वो बाज जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी लेकिन है। लिखने का बचपन से था आपको बचपन से बचपन से मुझे शौक था फिर कॉलेज के मैगजीन में भी लिखा कहानियां तो वो जब फिर को अखबार बंद हो गया भट्टू साहब जब आए भट साहब का जमाना था तो बैन लग गया उस पर तो बड़ा मशहूर एक वाक हुआ था जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने पकौड़े लगा लिए थे सड़क के ऊपर हुई जो उस वक्त असिस्ट कर रहे थे सलेमान साहब को उसी एहत के दौरान हाँ सलेमान साहब को असिस्ट कर रहे थे वहां नहीं मेरी कहीं और मुलाकात वक्त वही था तो मैंने कहा चलो आ, मैं फिल्म में वो ने कहा बड़ा मुश्किल काम है भाई ये फिल्म में साहब हाँ आ, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं मैं हाँ। करूँगा मैं आपके साथ असिस्ट करूँगा सलमान साहब वो मुझे ले गए सलमान साहब के पास तो सुलू भाई तो, बड़े इंसान तो, बड़े, बड़े डायरेक्टर बड़ा खानदान इंस्टीट्यूशन में मतलब उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया मेरी मेरे आने पर उन्होंने शुरू उस वक्त थी मोहब्बत तेरी सूरत, मेरी आंखें hmm. no, हाँ. so, तो मतलब राइटर राइटर आपको किया नॉट असिस्टेंट तनख्वाह कोई सैलरी नहीं कोई Achha. कुछ नहीं और आपने पल्ले से आपने पल्ले से है और मैं फर्श साफ करना सोफे साफ करना गद्दी ठीक नहीं है Cushion, तो उसको ठीक कर देना हमारी ड्यूटी थी और पीछे देखना कि कोई गुजर गुजर के ना अच्छा। अच्छा। तो हैं, <laughs> फट्टे उठा रहे हैं लगा रहे हैं तो तमाम शोबों से गुजरने के बाद जाके फिर मेरी बारी आई जब जावेद फाजल साहब डायरेक्टर हो गए मैं चीफ असिस्टेंट हो गया हाँ उनको एक फिल्म मिल गई मैडम दीबा की मेरे जीवन साथी ओके okay. और वहीद ना साहब उसके हीरो थे और दीबा मैडम जो थी वो उनकी हीरोइन थी और प्रोड्यूसर भी थी तो फिर वो छोड़ गए सुलू भाई को और मैं चीफ एसडेंट हो गया hmm.

और ये स्टूडियोज के पीछे सारे ये सोलह सौ एकड़ नहीं बना था लामा इकबाल टाउन नहीं बना हुआ था इसके पीछे खेत थे सारे और यतीम खाने भी थोड़ी सी आबादी थी फिर आगे तो कई बार ऐसा हुआ कई बार एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि मेरे जेब में कोई पैसा नहीं है बस आके चली गई है और कोई रिक्शा भी नहीं होता था <laughs> और ये वैगन वगैरह तो चलती नहीं थी अब पैदल मार्च होता था अब मैं अकेला यंग था बहुत और मैं डरता भी था

खाब बुना करता था hmm. इसी दौरान जब मुझे चार साल हो गए असिस्ट करते हुए पाँच साल तो मैं ऐसी एक कहानी बुन रहा था तो मेरी मुलाकात एक प्रोड्यूसर थे उनके जो संगीता की जो मदर थे उनके साथ मिलके फिल्म बना रहे थे अच्छा तो मुझे मार्शल कहते थे वो आजम जे रानी साहब उनका नाम था तो मुझे कहने लगे ये तुम क्या लिखते रहते हो मैंने कहा जी मैं कहानी लिख रहा हूँ कभी मैं डायरेक्टर बना तो मैं फिल्म कभी मैं फिल्म कभी डायरेक्टर बना हाँ। मैंने तो क्या कहानी मुझे बताओ मैंने थोड़ी सी बताई बैठो गाड़ी में मुझे गाड़ी में बिठा के वो उसके संगीता मैडम की मदर के पास ले गए मेहताब बानो जी मैं बड़ा रिकार्ड करता हूँ उनका उनका बड़े इसके बाद बड़ी जबरदस्त स्टोरी है सुने हाँ ये तो बहुत अच्छी है हम फॉरन इसको शुरू करते हैं स्टोरी okay. क्या थी थी ओके मेरी पहली फिल्म वो फिर उसकी एक लंबी स्टोरी है पहले कोई और डायरेक्टर था फिर कोई और हुआ फिर संगीता किस तरह आई उसमें मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था मैं मैं एसोसिएट uh, डायरेक्टर था क्योंकि मेरी बेसिक लाइन uh, uh, हाँ। तो मैं डायरेक्टर ही बनना चाहता था हाँ। तो मैंने अपने पूरे वो चाव उसमें पूरे किए सोसाइटी गर्ल में जो मैं कर सकता था मैंने किया लेकिन फिल्म हिट हो गई तुम तो मुझे राइटर बना दिया गया फिर उस वक्त के फारूक जितने भी बड़े डायरेक्टर थे सबका मैं राइटर था अब आप पीक पे हैं और सारा आपका तूती बोल रही है हर तरफ अब मुझे ये बताएं कि आपने अपने आप को ये नहीं सोचा कभी कभी अब इतने पैसे इकट्ठे हो गए चालीस फिल्म पच्चीस हजार एक फिल्म के लेते हैं यार अब पैसा बन गया आप कोई कारोबार शुरू करता हूँ कर लिया पीक देख लिया मैंने तो लेट्स एग्जिट कोई अब जैसे बाकी बिजनेसमैन है इंडस्ट्रियलिस्ट हाँ। है कोई इंडस्ट्री लगा लो मैंने मुझे हाँ। कारोबार करना चाहिए सोचा तो फिर और मैंने किया अच्छा कौन सा फिल्म का <laughs> तो अब अब हम उसे कर्बानी मानते मैं मैंने 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 फिल्म बनाई हाँ। और वो जो अंदर एक ख्वाहिश थी कि डायरेक्टर बनना चाहिए नहीं डायरेक्टर भी था मैं अच्छा नहीं क्या? मतलब प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूसर भी मुझ पे तो कोई रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं था कोई वो कहता था ये क्या डायरेक्टर पहला आपका डायरेक्टोरियल जो है वो आपने खुद अपने खुद अपना मेरी अपनी प्रोडक्शन थी क्या नाम था कसम

अच्छा जब आपकी कसम हेट हुई तो फिर उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी अच्छा। मैं कसम बना रहा था सारे कह रहे थे ये बेवकूफ़ आदमी है इसको क्या पता ये जो फिल्म बना है अच्छा तो मेरे पास पैसे कम थे मैं जमशेद जफर साहब के पास गया मैंने कहा ये मेरी फिल्म जो है ये आप खरीद लें तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ फिर मैं हेल्प करूंगा